हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूँ स्वाति एंड वादे के अनुसार, जैसे कि मैं आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी और मैंने भी वादा किया था कि अगर रिक्वेस्ट आएगी तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो ये वीडियो है मेरे फ़ोन के रिव्यू का जो मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले ख़रीदा है एंड उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा है। आई एम लाइकिंग इट, आई एम एन्जॉइंग शूटिंग वीडियो ऑन माई फ़ोन। तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किए हैं मैं अभी बताऊंगी, एंड आने वाले दिनों में अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये रहा मेरा फ़ोन, बड़ा ही चमचमा रहा है एंड इसकी पैकिंग मैंने दोबारा करी है इस वीडियो के रिव्यू के लिए, तो वो सब सिर्फ आपके लिए। एंड आज मैंने फुल मैचिंग पहना है। मैंने सोचा चलो जिस कलर में मेरा फ़ोन है ना उसी कलर की कुर्ती पहनते हैं, तो सिंक में बड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो चलिए इसका रिव्यू शुरू करते हैं एंड उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको लेना है या नहीं लेना है। एंड आई होप नहीं लेने वाले का तो कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, पक्का आप लोग ले लेंगे इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ बाइंग अ वेरी गुड फ़ोन। चलिए शुरू करते हैं। सो अभी मैं शुरू करने वाली हूँ इसका रिव्यू। तो ये जो फ़ोन है वो है वीवो V15 Pro। सो आउटर लुक देख रहे हैं जैसे ये है। तो अभी मैं डब्बा खोलती हूँ। ऑलरेडी मैंने ये फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे को इसका रिव्यू करना था तो मैंने फिर से इसकी प्रॉपर पैकेजिंग कर दी और मैं प्रॉपरली आपको दिखा रही हूँ। तो डब्बे के ऊपर ही लिखा हुआ है कि 8GB रैम है एंड 128GB रोम है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस पूरी दी हुई है। सो ये देखिए, इसके ये 5 मेन फीचर्स है। उसके बाद ये सारी स्पेसिफिकेशंस जो है यहाँ पे जो भी लिखा है आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेके उसको डिटेल में देख सकते हैं। एंड इसका यहाँ पे प्राइस लिखा है 34,990। पहले यही फ़ोन 47,000 का आ रहा था, जो कि अब जिसका रेट कम हो चुका है और अब आ रहा है आपको 29,990 रुपीज़ में। एंड अगर आपकी जान पहचान का कोई है तो थोड़ा 1,000 और कम हो सकता है, क्योंकि मैंने इसको परचेज़ किया है 28,000 में। चलिए अभी फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। सो इसके साथ में ही देखिए ये कवर आया हुआ है, काफ़ी अच्छा कवर है एंड साइड में बॉर्डर लगा हुआ है एंड कैमरा के हिसाब से प्रॉपर कटिंग दी हुई है। प्लस क्योंकि इसमें सेल्फी कैमरा है जो पॉपअप होता है तो उसके लिए भी प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है। देन यू हैव एवरीथिंग डिफाइंड प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि कटिंग, कुछ कुछ कवर्स में ऐसा होता है कि कटिंग प्रॉपरली नहीं होती है तो चार्जिंग लगाना मुश्किल हो जाता है एंड वो सारी प्रॉब्लम होती है। एंड दूसरा ये है, ये देखिए ये जो स्पेस है इसमें कैप भी दी हुई है। तो जनरली आपके चार्जर्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जो पिंस होती है वो इसलिए क्योंकि चार्जिंग का जो प्लेस होता है वहाँ पे मट्टी वट्टी घुसती रहती है, उसकी वजह से जो है चार्जिंग पिन कभी ढीला हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम की वजह से बहुत जल्दी ख़राब होते रहते हैं। तो अगर आपका ये कैप दिया हुआ है तो आपके चार्जिंग वाले सॉकेट के अंदर मट्टी घुसेगी नहीं और आपका चार्जर जल्दी ख़राब नहीं होगा। सो दिस इज़ द फीचर ऑफ दिस कैप। देन अंदर चलते हैं इसके। तो ये रहा फ़ोन, फ़ोन को मैं दिखा देती हूँ आपको। कवर में से निकाल दिया है मैंने एंड ये वाला पाउच भी इसमें दिया हुआ है। सो ये देखिए मेरा जो फ़ोन है वो कुछ धासु कलर में है। सो वीवो V15 Pro में 2 कलर्स अवेलेबल है, एक जो आपको डब्बे के ऊपर दिख रहा है ब्लू कलर एंड दूसरा ये डुअल कलर। एंड इस डुअल कलर में आपको ऐसे शाइनिंग आएगी, जिगजैग का डिज़ाइन दिखेगा, लेकिन ब्लू वाले में आपको प्लेन आएगा, ऐसा जिगजैग नहीं है, ओनली वो फुल एक ही कलर है उसमें पूरा ब्लू है। एंड इसके पीछे जैसे मैंने बताया था 3 कैमरा है। फ़ोन का लुक तो ऐसा है। एंड इसके साथ क्या क्या दिया है पहले वो सब देख लेते हैं। उसके बाद देखिए ये एक बुकलेट दी हुई है जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वारंटी कार्ड, प्लीज़ रीड दिस डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर यूजिंग द डिवाइस एंड होल्ड ऑन टू इट फॉर फ्यूचर यूजेस। तो इसमें कस्टमर केयर नंबर भी दिया हुआ है, आप उसको रीच आउट कर सकते हैं। प्लस कस्टमर के लिए एक वारंटी कार्ड की कॉपी भी दे रखी है, अदरवाइज़ आपको बिल के ऊपर भी सब कुछ वारंटी के साथ सब कुछ प्रिंट होके आ जाता है, सो दिस यू कैन रिटेन विथ यू। एंड उसके बाद आपको दिया है ये क्विक स्टार्ट गाइड, जिसको थोड़ा सा देख के आप अपने मोबाइल को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सारे फीचर्स क्या क्या कहाँ कहाँ पे है, आपको कैमरा कहाँ से निकलता है, हेडफोन्स कहाँ पे लगाने हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रोडक्ट का मॉडल है वीवो 1818 प्लस 32 मेगापिक्सल है एंड रियर कैमरा का 12 मेगापिक्सल 48 मिलियन
क्वाड पिक्सल सेंसर एंड 8 MP प्लस 5 MP, क्योंकि इसमें तीन कैमरा है तो उन तीनों कैमरा के आपको मेगापिक्सल दिए हुए हैं। बैटरी जो है आपको 3700 mAh है। उसके बाद डायमेंशन दिए हुए हैं, फ्रंट स्क्रीन का पूरा मेजरमेंट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है A to Z। एंड देन यू हैव ऑल द थिंग्स। कुछ चीज़ों की टेक्निकल नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, तो जो भी है जिनको भी इसके बारे में मालूम है उनको वो चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। SAR वैल्यू ये सब मुझे पता नहीं है, सो दैट मैं बस दिखा रही हूँ आपको। अगर आपको मालूम है तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या क्या है। सो इसमें एक्सेसरीज़ क्या क्या आई है वो भी इस गाइड में दिया हुआ है। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एक्सेसरी मतलब एक फ़ोन आया है, एक डब्बे में एक ही फ़ोन आएगा। उसके बाद चार्जर है, हेडसेट है, USB केबल है, पिन है, वारंटी कार्ड है, क्विक स्टार्ट गाइड है एंड फ़ोन केस है। तो इसमें कुछ चीज़ों मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, कुछ बाकी है। तो नेक्स्ट है ये पिन, आप इसको बहुत संभाल के रखें क्योंकि बहुत बारी खो जाती है, इसलिए आप अपने कीचेंस में लगा के रखेंगे तो आपको आसानी से आपके रीच में होगी। किसी भी आपके घर में जो भी ताले चाबियाँ उसमें लगा लीजिए, क्योंकि फ़ोन का अगर आपको सिम कार्ड निकालना है या SD कार्ड डालना है, कुछ भी हो, तो आपको ऐसे पिन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसमें स्पेसिफिकली दिया होता है, अगर आपने ये घुमा दिया तो फिर आपको दूसरे जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, तो इसको संभाल के रखिएगा। एंड उसके बाद वी हैव चार्जर, ये देखिए चार्जर, इसकी स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। तो जब भी आप चार्जर यूज़ करते हैं ना, अलग अलग चार्जर, किसी की भी चार्जर अपने फ़ोन में ना लगाएं, क्योंकि हर एक की पिन का साइज़ बहुत डिफरेंस होता है। मतलब हमको दिखने में सेम लगता है लेकिन हर एक का चार्जर का थोड़ा बहुत साइज़ चेंज होता है। अगर आप सारी पिन एक फ़ोन में घुसाते रहेंगे तो आपका पिन का जो सॉकेट है वो उस रीज़न से भी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए जिसका जो चार्जर है उसी को यूज़ करें। एंड देन वी हैव चार्जर का ये कॉर्ड एंड हेडफोन्स, जो अभी तक मैंने निकाले नहीं है। सो ये जो आइटम्स होते हैं जिस फ़ोन के जो होते हैं वही यूज़ करने से बेटर है, आपके फ़ोन की लाइफ बढ़ जाती है। सो ये सब आइटम थे जो इसके साथ आए हैं। अब मैं थोड़ा आपको फ़ोन के अंदर भी घुसा के दिखा देती हूँ कि वो कैसा है, उसके स्क्रीन उसके कैमरा की क्लैरिटी कैसी है, क्योंकि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका क्लैरिटी। इससे पहले जिससे मैं अभी ऑलरेडी शूट कर रही हूँ वो भी वीवो है, और क्योंकि मेरा वीवो के साथ एक्सपीरियंस अच्छा था इसलिए अगेन मैंने वीवो को ही प्रेफर किया। तो अभी फ़ोन को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए फ़ोन है जिसको मैं अभी ऑन कर देती हूँ। सो इसमें जब भी ऑन करते हैं ऑटोमेटिक, ये बहुत पुराना फीचर जो आजकल सब फ़ोन्स में आता है। अभी मैं जैसे ही ऑफ़ करके फिर से ऑन करूँगी तो देखिए फिर चेंज हो गया, फिर से ऑन करूँगी तो फिर ऐसे चेंज होता ही रहता है। तो देखने के लिए भी एक अच्छा सुकून टाइप या मतलब एक काम फीलिंग आती है कि डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर कलरफुल और इतनी क्लैरिटी के साथ दिखता है कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से, तो मैं इसका लॉक खोल देती हूँ। सबसे पहले दिखाने वाली चीज़ क्या है दिखाती हूँ मैं आपको, वो है कैमरा। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पॉपअप कैसे होता है इसका। जैसे ही आप सेल्फ़ी कैमरा पे स्विच करते हैं सो सी इस तरह से इसका ये खुल जाता है, फिर ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे होता है। तो मान लीजिए आपका सेल्फ़ी कैमरा ऑन है और कभी गलती से आपके हाथ से ये छूट गया मान लीजिए, तो ऑटोमेटिक इसका जो ये सेल्फ़ी कैमरा है अपने आप अंदर चल जाएगा। जैसे मैं अभी हाथ से देखिए ऐसे करती हूँ, देखिए ऐसे उछाला मैंने और वो चला गया। तो यहाँ पर पॉपअप का ऑप्शन फिर से आता है, पूछता है ये आपको कि आपको एग्ज़िट करना है या पॉपअप करना है। तो अगर मैं पॉपअप पे फिर से प्रेस कर देती हूँ तो कैमरा उसका फिर से बाहर निकल जाता है। मैं देखिए फिर से उछालती हूँ तो वो अंदर चला गया। एंड ये देखिए इसके जो तीन कैमरास हैं वो इस तरह से दिखते हैं यहाँ पे। एंड अभी फ्लैश मैंने ऑन कर रखा है अपने फ़ोन का, इसलिए इसका अच्छी तरह दिखाई नहीं दे। एक बार फ्लैश ऑफ़ करती हूँ। तो ये देखिए अभी मैंने अपने फ़ोन का फ्लैश जब ऑफ़ किया तब आपको इसका फ्लैश अच्छी तरह नज़र आ रहा है। तो अभी हम थोड़ी इसकी सेटिंग देख लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी सेटिंग्स में आपको कैमरा के लिए क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो आप इसमें वीडियो जो है 4K में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सी आप इसको इसमें आपको डायमेंशंस भी दिए हुए हैं, आप अगर लंबा लेना चाहते हैं तो लंबा खींच सकते हैं। कभी कभी हम लोग हमेशा ऐसे करके फ़ोन में वीडियोज़ खींचते हैं, अगर आप यहाँ पर डायमेंशन सेट कर देंगे 16:9 तो आप सीधा भी अगर ऐसे वीडियो निकालते हैं तो भी आपको डायमेंशन ऐसा वाला आएगा, आपको फ़ोन को ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला एक ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें। एंड ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज़ दिए हुए हैं यू कैन यूज़। एंड किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि जब हम सेल्फ़ी लेते हैं तो हमारी जो है इमेज उल्टी आ रही है, तो तब आपको क्या करना है, ये सेटिंग्स में जाके यहाँ पे मिरर सेल्फ़ी का ये जो ऑप्शन होता है उसको ऑफ़ कर देना है। अगर आप उसको ऑफ़ नहीं करेंगे तो आपकी जो फ़ोटोज़ है या वीडियोज़ है उल्टी आएंगी।
एंड जैसे कि हर फ़ोन में आजकल फ़ीचर्स आते हैं, इसमें भी फीचर्स हैं अलग अलग। एंड एक ये स्टिकर्स भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टिकर्स दे रखे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आजकल जो भी चलाते हैं इंस्टाग्राम में यूज़ कर सकते हैं, या टिकटॉक में, या किसी भी जो आपको अच्छा लगता है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप शेयर करना चाहते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा एक ख़ास फ़ीचर है इसमें, मैं दिखाती हूँ आपको। वो खास फीचर ये है, यहाँ पे आपको प्लस का बटन दिख रहा है, तो प्लस दबाने के बाद आप यहाँ पे एक मूवी टाइप बना सकते हैं। अगर आपने मेरे रीसेंट इंस्टाग्राम के अगर पोस्ट देखे हों तो उसमें मैंने वही बनाया। आप फोटोज़ को पूरा ऐड करके एक मूवी टाइप बना सकते हैं, जो मैंने बना के रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिक उसमें म्यूज़िक या जो भी इमेज का जूम इन जूम आउट सब कुछ दिया हुआ है। तो इस तरह से आप एक मूवी बना सकते हैं, एंड जितनी भी आपकी फ़ोटोज़ है उसकी एक मूवी टाइप बना के आप इंस्टाग्राम में या जहाँ मर्जी वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा यू हैव अनदर ऑप्शन, जैसे वीडियोस में अगर मैं जाऊँ, कोई मैंने वीडियो उठा लिया मान लीजिए, कोई भी वीडियो, मान लीजिए मैं ये वीडियो लेती हूँ और इसको मुझे एडिट करना है, तो किसी भी फ़ोन में डायरेक्ट एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन वीवो इस वाले में जो है आप यहीं से कट कर सकते हैं, यहीं से सब कुछ जैसे आप किसी वीडियो एडिटर में करते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। सी मैंने ट्रिम किया तो आई हैव क्रॉप, स्पीड करना है स्पीड कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, म्यूज़िक कर सकते हैं, फ्रेम लगा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे जैसे मैंने एक वीडियो लिए, आप साथ में जितनी चाहे वीडियो उतनी ऐड करके, जैसे हम रेगुलर एडिटिंग करते हैं वीडियोस की वैसे आप ऐड करके इसमें भी कर सकते हैं। जो लोग मैक्सिमम टिकटॉक के वीडियोस बनाते रहते हैं ये उन लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, बिकॉज इंस्टेंटली आपने कोई वीडियो शूट करा एंड तुरंत इसी में जहाँ से शूट करा है वहीं पर आप एडिट करके इसको डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। यही था इस फ़ोन के बारे में A to Z। और कुछ स्पेसिफिकेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूंगी, क्योंकि मेरे को जितना टेलीफोन बोल रही हूँ, मेरे को जितना फ़ोन के बारे में नॉलेज है और मैं जितना यूज़ करती हूँ अदर देन सोशल मीडिया, फ़ोन में क्या क्या यूज़ करती हूँ उसके हिसाब से मैंने सब कुछ आपको बता दिया। एंड इसका प्राइस भी मैंने आपको बता चुका है, तो आप परचेस कर सकते हैं। एंड इसमें एक और फीचर ये है कि आपको दो तीन ऐप के, जो भी जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आपको अगर एक और व्हाट्सअप चाहिए होता है तो आपको कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्लोनिंग का ऑप्शन जो है दिया हुआ है, आपको अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रहता है इसी में ऐप क्लोन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप चाहे तो व्हाट्सअप को क्लोन कर सकते हैं, फेसबुक को क्लोन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को क्लोन कर सकते हैं। तो मैंने क्लोन करके रखा है लेकिन उसका नंबर ऐड नहीं किया है, आई वॉज जस्ट चेकिंग द ऑप्शन। लुक वाइज हो गया या फीचर्स वाइज हो गया, मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो मैं अमेज़ॉन का लिंक भी दे दूँगी, मैंने तो वैसे शॉप से ख़रीदा है, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो दे कैन सी द लिंक ऑल्सो। एंड और कुछ है, कुछ खास चीज़ जो मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, मैं वो चीज़ें ज़रूर ट्राई करूँगी। अगर आपको ऐसे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड आपको किस चीज़ का रिव्यू चाहिए वो भी मुझे बताइए। तो चलिए, तो मैं आप लोग के लिए एकदम अच्छे से रिव्यू करूँगी। एंड मुझे ये बाबा फ़ोटोज़ देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो कैसा लगा हमारा रिव्यू? अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, जैसे मैंने बोला है किसी और चीज़ का भी रिव्यू चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी। एंड अभी मैंने इसका कवर लगा दिया है, कवर लगाने के बाद भी इसके लुक में किसी भी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं हुई है, ये पहले भी अच्छा ही दिख रहा था एंड अभी भी अच्छा दिख रहा है। अभी अच्छा प्लस सिक्योर, दोनों तरफ से सिक्योर है, क्योंकि इससे पहले वाला मेरा फ़ोन इसीलिए टूट गया था क्योंकि मैंने कवर निकाल दिया था, एंड बैड लक जो बोलते हैं ना, कवर निकालते ही वो गिरा एंड वो टूट गया। और इतना अच्छा कवर अगर इसके साथ में आ रहा है, आपको अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे तो ये फ़ोन काफ़ी पसंद आया है, एंड आई होप आपको भी पसंद आएगा, एंड आप अभी से शुरू हो जाएंगे कि लेना है लेना है लेना करके। तो अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो लिंक देख लीजिए, नीचे दे चुका है मैंने, अगर ऑफलाइन तो किसी भी शॉप पे जाके आपको मिल जाएगा। और मेरे को बार बार ये फ़ोटोज़ चेंज करके देखना बड़ा अच्छा लगता है, एंड काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ है इसमें। अगर आप कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो आप जैसे स्क्रीन ओपन करेंगे आप ऐसे स्लाइड करते रहेंगे तो आपको नई नई पिक्चर्स दिखती रहेगी।
सो वैसे तो बहुत पिक्चर्स आती ही रहेगी। तो चलिए, अगर रिव्यू पसंद आया है तो देर किस बात की है, लाइक ज़रूर चिपका दीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए, कुछ भी जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।